फतेहबाग के भट्टू रोड पर दो लोगों के बीच हुए झगड़े का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दो व्यक्ति बीच सड़क आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस झगड़े में बात हाथापाई तक जा पहुंची और इस सब में एक किसी में चोट भी आई। हुआ यूं कि किसी बात को लेकर व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाली महिला को उल्टा सीधा बोल दिया और इस बात का पता जब महिला के पति को चला तो वो उसे समझाने गया, लेकिन पड़ोसी ने उससे उल्टा झगड़ना शुरू कर दिया और महिला के पति के सिर पर बाल्टी दे मारी, जिससे बात बढ़ गई। आसपास खड़े लोगों ने दोनों को छुड़वाया। वहीं झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक ने अपना मेडिकल करवाकर इस मामले की शिकायत पुलिस को दी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में डीएसपी धर्मवीर पुनिया ने वीडियो की पुष्टि करते हुए पीड़ित के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही। आरोपी एक बिहारी रहता है आदमी, उसका नाम शंकर है। एक दो दिन से डेली बोलता था भट्टू रोड पे, ये अपने नहर कॉलोनी भट्टू रोड, वहाँ किराए से रहते हैं, वो भी ऊपर रहता था, हम भी रहते हैं, तो डेली कुछ ना कुछ बोलता था। मैं सोचा मजाक में, चलो कोई बात को नहीं हुई। कल तो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहा था, तो हम लोग नहर कॉलोनी मोड़ पे गए, तो वहाँ वो गोल लोग पे हम समझाने गए थे उसके लिए, तो हमारे को लौट के मारने लग गए, हमारी घरवाली को, वाइफ को, हमारी को। अच्छा, तो वहाँ पे वो भी किराए से रहता, ऊपर थर्ड फ्लोर पे, मैं दूसरे फ्लोर पे रहता हूँ। तो कहने लगा, बोला तो मोटर लगा पानी की, उल्टा सीधा जिस तरह एक दूसरे अपने आदमी से लुगाई से बात करते, जिस तरह बोल रहा था, उल्टा गाली निकाल रहा था जी, और बोल रहा था तो एक बार ऊपर हमारे कमरे में ये है वो है, उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ? वो चले गए थे, मैं था नहीं घर पे, हमारे पड़ोसी ने बताया फोन करके, बोला ऐसी ऐसी बात हुई। मैं आया जी, मैं नहर कॉलोनी मोड़ में, किसी ने बताया वहाँ पे खड़े हैं, मैं उनको समझाने के लिए गया, वो आपस में मेरे को ही मारने लग गए, पाँच छः बंदे। शिकायत की जी, महिला थाने भी गए थे हम। क्या हुआ? उन्होंने बोला कि एक बार दाखिल हो, वहाँ पे जाओ, ये बस स्टैंड के पास कोई चौकी लगती है, वहाँ पे हम गए, फिर उन्होंने बोला एक बार दाखिल हो पहले। तो आपकी क्या मांग है जी? जी हमारे तो यही मांग है, इंसाफ मिलना चाहिए हमने तो। ये जो मामला है ये कोई रेहड़ी वाला है, पनिया पत्थर गीतापुर के पास में, लेकिन इसके संबंध में अभी तक कोई कंप्लेंट प्राप्त नहीं हुआ। तो शिकायत आती तो क्या कार्रवाई की? शिकायत आएगी तो कानून के हिसाब से तो कार्रवाई बनेगी, सेक्शन उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी, और जैसे भी मेडिकल होगा या तो स्टेटमेंट ली जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मुंगा की रिपोर्ट।